हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू थैंक चंदना श्री मैम फॉर शेयरिंग दी वंडरफुल नोट्स विद अस। दी लिंक फॉर दी नोट्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर क्विक रिविजन। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, इट्स अ मेथड ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड परफ्यूजन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन आउटसाइड द बॉडी। सो इट इज कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ऑक्सीजनेशन एंड परफ्यूजन ऑफ द बॉडी। हियर ऑल द वेनस ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट इज डाइवर्टेड टू अ हार्ट लंग मशीन एंड देन पास टू अ ऑक्सीजनेटर एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू अ बॉडी थ्रू कंट्रोल्ड प्रेशर्ड मैनर। सो जो ब्लड दिल की तरफ आ रहा है उसको हम एक मशीन में डाल देंगे, हार्ट लंग मशीन में, फिर उसको ऑक्सीजनेटर में डालेंगे एंड थ्रू अ कंट्रोल्ड प्रेशर मोड से हम मैनर से हम वापस उसको बॉडी में देंगे। तो अभी इसका स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहला स्टेप है वेनस कैनुलेशन। वेनस कैनुलेशन में नॉर्मली हम राइट एट्रियम प्लस IVC उसको कैनुलेट करते हैं थ्रू अ चैनल। इसके अलावा SVC IVC को सेपरेटली कैनुलेट कर सकते हैं जब हम राइट एट्रियल सर्जरी कर रहे हैं, या फिर फिमरल वेन को जब हम थोरैसिक एओर्टा या फिर मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? तो ब्लड इज ड्रेन्ड वाया ग्रेविटी इनटू द वेनस रिजर्वायर एंड ब्लड फ्रॉम द कार्डियोटॉमी सक्शन पंप इज ऑल्सो एडेड। तो ब्लड ग्रेविटी की मदद से वेनस रिजर्वायर में चला जाता है एंड ऑल्सो फ्रॉम द कार्डियोटॉमी सक्शन पंप, जो ब्लड सर्जिकल फील्ड में जमा हो रहा है उसको भी सक्शन पंप के थ्रू वेनस रिजर्वायर में भेज दिया जाता है। उसके बाद उसको हीट एक्सचेंजर एंड ऑक्सीजनेटर से पास किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंट्रिफ्यूगल पंप से रीइंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में वाया द आर्टीरियल लाइन। इसके बाद आर्टीरियल कैनुलेशन, ये असेंडिंग एओर्टा में किया जाता है जनरली। अगर एओर्टिक डिसेक्शन है तो उसमें यहाँ पे अवॉइड किया जाता है और एडवाइजेबल भी नहीं है। फ्यूमरल आर्टरी में कर सकते हैं जब एओर्टिक रूट का सर्जरी कर रहे हैं। एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे भी कर सकते हैं। हाँ, सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया डिस्कशन में कि असेंडिंग एओर्टा में कब कब अवॉइड करना है, एओर्टिक डिसेक्शन में या फिर एओर्टिक रूट की सर्जरी में या फिर सीवियर एडेशन में। इसके अलावा फ्यूमरल आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा पैरेलल सर्किट ड्रॉज ब्लड फ्रॉम द ऑक्सीजनेटर आउटलेट एंड मिक्सेस विद द कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशन इन द रेशियो ऑफ 4:1। कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशन इज एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशन इज डिलीवर्ड एंड इट प्रोटेक्ट्स द मायोकार्डियम फ्रॉम इस्कीमिया, इस्कीमिक मायोकार्डियम फ्रॉम सेल डेथ। तो उसको बचाता है मायोकार्डियम को, इस्कीमिक मायोकार्डियम को। दो तरीके से कर सकते हैं, एंटेरोग्रेड जिसमें एओर्टिक रूट में के थ्रू कोरोनरी आर्टरी के थ्रू मायोकार्डियम को सप्लाई होता है, या फिर रेट्रोग्रेड में जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में बेटर है तो इसमें कोरोनरी साइनस के थ्रू मायोकार्डियम तक पहुंचता है। इसके अलावा एडिशनली एंटीकोएगुलेशन होता है, हेपरिनाइजेशन ऑफ होल ब्लड सिस्टम, और जो कि रिवर्स किया जाता है प्रोटामिन सल्फेट से। प्राइमरी सोल्यूशन जो रहता है जो इसमें ब्लड को सप्लाई करता है, दैट इज बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन, प्लाज्मा और कोलॉइड, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। सिस्टमिक हाइपोथर्मिया टू रिड्यूस मेटाबॉलिक डिमांड फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन। ऑक्सीजन कंजम्पशन फॉल बाय 50% फॉर एवरी 10 डिग्री इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिस्टमिक हाइपोथर्मिया से मेटाबॉलिक डिमांड कम हो जा रहा है, न्यूरो प्रोटेक्शन हो रहा है। अभी हम मशीन में कैसा हो रहा है वो देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा है। तो हार्ट से राइट एट्रियम की मदद से आइदर SVC IVC से हमारा जो चैनल है वेनस कैनुला वो जाएगा वेनस रिजर्वायर में थ्रू दी गया ग्रेविटी। इसी में ब्लड फ्रॉम द कार्डियोटॉमिक सक्शन सिस्टम, कार्डियोटॉमिक सक्शन सिस्टम जो ब्लड फील्ड है, सर्जिकल फील्ड है, वहाँ से भी कलेक्ट होके वेनस रिजर्वायर में आ जाएगा। उसके बाद ये जा रहा है हार्ट लंग मशीन में सबसे पहले, उसके बाद उसमें आता है हीट एक्सचेंजर एंड ऑक्सीजनेटर, फिर वहाँ से ये जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में थ्रू द आर्टीरियल कैनुला। इट कैन बी थ्रू द एंटीग्रेड मैनर और द रेट्रोग्रेड मैनर। एक पैरेलल सर्किट जा रहा है, ठीक है, पैरेलल सर्किट के में कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा 1:4 रेशियो में, ताकि जो हार्ट है वो न्यूरो प्रोटेक्टेड रहे, हार्ट जो है इस्केमिक डैमेज से बचा रहे, और ये रहता है पोटेशियम रिच सोल्यूशन। तो ऐसे ये हो रहा है, ठीक है।
रेट्रोग्रेड कोरोनरी साइनस में जा रहा है, एंटीग्रेट एओर्टिक रूट में जा रहा है, और जो आर्च ऑफ एओर्टा है उसको क्रॉस क्लैंप किया जा रहा है। अब इसका यूजेस क्या क्या है, तो फॉर सर्जरी सीएबीजी, कार्डियो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, वेल्वुलर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, सेप्टल सर्जरी, कंजनाइटल हार्ट डिजीज सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट लंग एंड लिवर, एन्योरिज्म रिपेयर, पल्मोनरी थ्रोम्बेक्टोमी और एंड आर्टरेक्टोमी। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होगा सीबीपी का, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा क्योंकि एक नॉन बायोलॉजिकल सरफेस से कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होगा, हेपरनाइजेशन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, हाइपोपरफ्यूजन एम्बोलाइजेशन किस वजह से, ऑक्सीजनेटर फेलियर की वजह से, या फिर एओर्टिक डिसेक्शन जो कैनुलेशन की वजह से हो रहा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, होप इट हैज़ बीन अंडरस्टूड इन ए इजी मैनर, एंड कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।